देखिए, बहस के करीब 15 मिनट निकल चुके हैं, मुझे सिर्फ 1.5 मिनट दे दीजिएगा अनइंटरप्टेड बोलने के लिए, मैं कंप्लीट कर लूं। जी, आप एक विद्वान एंकर हैं और मुझे लगता है से निष्पक्ष भी होंगे। गली मोहल्ले की चाय की दुकान पे नहीं खड़े हुए हैं। तुम्हें बात नहीं सुननी है तो बुलाए मत करो। मैंने बात सुनी है तभी बुलाया है। दलाल की तरह बात मत करो और ये धमकी देना बंद करो। ये धमकीबाजी देना बंद करो। दलाल की तरह सुनने वाला करो। बात करनी है पत्रकार की तरह बात करो। भाषा की मर्यादा रखिए। बात मत करो। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ। और इससे ज्यादा भी कुछ बोलिए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। कम से कम मर्यादा रखिए सर, कम से कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको चार शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? मैं नहीं बोलूंगा। सोचेगा आपने क्या बोला। और ब्रेक के बाद अगर माफी मांगने का मन हो तो मांग भी लीजिएगा। राजीव त्यागी, मैं आपको एक मौका देता हूं, अगर आप इन शब्दों पर खेद जताना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। बिल्कुल खेत नहीं चलना चाहता, मैं अपनी बात पे कायम हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल, आप अपनी बात पे, अपनी बात पे कायम हूँ। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, मेरा चैनल आपसे जानना चाह रहा है ऑफिशियली, क्या आपको लगता नहीं है कि आवेश में आपने ज्यादा बोल दिया? यू कुड हैव कंट्रोल्ड इट राजीव त्यागी, दिस इज योर लास्ट चांस। नहीं नहीं, आप उन शब्दों के बारे में क्या कहते हैं? आप उन शब्दों के बारे में क्या कहते हैं राजीव जी? मैं जवाब, ये डिबेट आगे नहीं बढ़ेगी, उन शब्दों के बिना आगे नहीं बढ़ेगी डिबेट। राजीव त्यागी, टुनाइट आई एम क्लियर, शब्द पर आपको खेद है? मुझे बिल्कुल भी, आपके प्रति जो मैंने दो शब्द इस्तेमाल किए हैं, अगर आप मुझे मजबूर करेंगे तो मैं दोबारा इस्तेमाल करूंगा। चलिए सर, फिर थैंक यू सर। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ मैंने कितनी बढ़िया बात कही है। और जो दर्शक आपको सुन रहे होंगे वो कह रहे होंगे, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर।